बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस के साथ सीएसएस पीएमएस टाइम्स। अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दुनिया के पार्लियामेंट्स हैं उनके नाम, ठीक है। वो कौन सी पार्लियामेंट किस मुल्क की है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन जातिया संगत। जातिया संगत जो है ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है। सेजम जो है ये बेलारस का पार्लियामेंट है। लोया जिरगा इज अफगानिस्तान का। फोलक्रिटिंग इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। नेसेट इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ इज़राइल। डाइट इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ जापान। डोमा इज़ पार्लियामेंट ऑफ रशिया। स्टॉर्टिंग इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे। कोर्टेस इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ स्पेन। रक्सटैग इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन। इसमें एक तो एक मिस्टेक है, प्लीज़ उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बंडेस्टैट इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। एडवाइजरी काउंसिल इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ कतर। चैम्बर ऑफ डिप्टीज इज़ अ पार्लियामेंट ऑफ लग्जमबर्ग। पीपल्स ग्रेट हॉरल इज़ द पार्लियामेंट ऑफ मंगोलिया। चले अब हम देखते हैं सीक्रेट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट में ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस जो है इंटरपोल है, ये 1923 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन फ्रांस में है, ठीक है। देन स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये यूके का है, इंग्लैंड का है, और सीक्रेट पुलिस एजेंसी, और ये बना था सितंबर 1829 में। फिर गेस्टेपो है, ये सीक्रेट पुलिस एजेंसी है, और बीएनडी जो है ये जर्मनी की करंट है, और गेस्टेपो जो है ये पहले थी सीक्रेट एजेंसी ऑफ जर्मनी। मोसाद एंड अमान जो हैं ये इसराइल की सीक्रेट एजेंसीज हैं। खाद और एनडीएस जो है अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। रा एंड सीबीआई इंडिया की सीक्रेट एजेंसीज हैं। केजीबी जो है वो रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। बिन जो है इंडोनेशिया की सीक्रेट एजेंसी है। वेवक एंड सेवक जो हैं ये ईरान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। ISI, IBMI एंड FIA जो है पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं, ठीक है। CIA, CBI सीक्रेट एजेंसी हैं USA की। MI6, MI5 UK की सीक्रेट एजेंसीज हैं। इस तरह GSD इराक का है। KDS बुल्गारिया। DRM फ्रांस। DND कनाडा का सीक्रेट एजेंसी का नाम है। G2 आयरलैंड है की सीक्रेट एजेंसीज हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ गॉड, ये बुक लिखी थी कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। पेकिंग न्यूज़ जो था ये दुनिया का पहला अखबार था और चाइना का था ये। क्वींस हाउस जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंसी है श्रीलंकन प्रेसिडेंट की, ठीक है। और टेंपल ट्री जो है वो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंसी है, ओके। शर्मुल शेख जो है वो मिस्र की इजिप्टियन सी पोर्ट है। अभी रिसेंटली यहाँ पे इंटरनेशनल इजलास भी हुआ था, उसका नाम आप कमेंट में बताएं प्लीज़। आशियाना जो है वो साउथ कोरिया की एयरलाइन है। टेगेस जो है वो करेंसी है काजिकिस्तान की। और अस्ताना जो है इसका कैपिटल सिटी है, और काजिकिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। निकी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो जापान का। व्हील जो है वो प्रोग्रेस का सिंबल है। स्टोनहेंग जो है वो दुनिया के सात अजूबों में से एक अजूबा है जो कि इंग्लैंड में बरतानिया में है। मेजॉरिटी ऑफ कुर्द पॉपुलेशन इज़ जो है वो इराक और तुर्की में रहती है। रमल्ला जो है वो हेडक्वार्टर है फलस्तीनियन अथॉरिटी का, जो वेस्ट बैंक में, ठीक है। रमल्ला जो है वो वेस्ट बैंक में है। सीनियर सिटीज़न डे जो है वो हर साल 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। शेकल जो है, शेकल इज़राइल की करेंसी है। आप बताएंगे जापान की करेंसी का क्या नाम है। सब्जिडाइज का मतलब है अंडर कंसिडरेशन, किस चीज़ को ऊपर तवज्जो रखना, किस चीज़ को ज़ेरे गौर रखना। एक्लेट जो है बेसिकली इसको ग्रीक मैथमेटिशियन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी इसे कहते हैं। ये 1300 BC में ये पैदा हुआ था। दास मैन जो है ये पैलेस है, यह अमीर कुवैत का ऑफिशियल जो महल है, रेजिडेंसी है। नो डायनेस्टी लास्ट मोर देन 3 जनरेशन, 3 नस्लों से ज़्यादा कोई भी डायनेस्टी नहीं रहती, ये इब्न खलदून ने थीरी पेश की थी। ग्रीस इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिटी, तो जो यूनान है वो दुनिया का सबसे कदीम जमहूरी मुल्क है,
सुई गैस, सुई के अलावा मरी जो है वो दूसरा बड़ा मुकाम है पाकिस्तान में जहाँ पर गैस के रिजर्व्स हैं। हॉली प्रॉफिट ने यमन का गवर्नर जो ज़कात कलेक्शन के लिए लगाया था वो थे हज़रत मुआज़ बिन जबल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बेड़े हैं। बाकू बाकू जो है वो सी पोर्ट है ब्लैक सी पे, ठीक है, ऑन ब्लैक सी। कराक्रम डेजर्ट लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान, मिंस्क इज़ द कैपिटल ऑफ बेलरस, ठीक है। बात इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड। फ्लीट स्ट्रीट इज़ फेमस फॉर न्यूज़पेपर्स। सिकंदरे आज़म जो है वो मैसेडोनिया के शहजादे थे। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड जो है विटिकन सिटी है रोम। द लोएस्ट रेनफॉल एरिया पाकिस्तान में नुखंडी है। इंटरफैक्स इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया। हीथ्रो इज़ अ सी पोर्ट ऑफ लंदन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज़ कैनेडा। विच कंट्री इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल, वो नैदरलैंड है जो सतह समुंदर से नीचे है। हु वाज द पेंटर ऑफ मोनालिजा, जो पेंटिंग है तो उसका नाम है डाविंसी, लिनार्डो डाविंसी। नेजा सुल्तान जो है ये एक वेलकैनो है और ये लोकेटेड है डिस्कट चागी प्रोविंस बलोचिस्तान, हैव डीप रिसोर्सिस ऑफ सल्फ़र। तो नेजा सुल्तान में जो सल्फ़र है उसके बहुत बड़े ज़खायर हैं। येलो सी इज़ सिचुएटेड बिटवीन चाइना एंड कोरिया। लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री बिटवीन टू कंट्री जो है वो बेसिकली यूएसए और कनाडा है। व्हेन द शिमला अकॉर्ड वाज साइंड, 3 जुलाई 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये बेसिकली शिमला के मकाम पे हुआ था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। शिमला एक इंडिया में जो है एक मकाम है। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तकरीबन 45 डेज बाद 30 सितंबर 1947 पाकिस्तानी यूएन का हिस्सा बन गया था। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस, तो अफगानिस्तान। ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, जॉन मिल्टन ने ये लिखी है और ये बुक एमए इंग्लिश में पढ़ी जाती है। असगरी और अकबरी, ये नावल जो था इसके मशहूर जो किरदार हैं असगरी अकबरी के, तो किस नावल में थे ये? मिरातुल उरूस, ये पहला नावल था उर्दू का। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल के कौन से कलाम में है? तो बांगे दरा में है। वाक़िया करबला 61 हिजरी में पेश आया। वाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, तो ये 1610 है। पाथवे टू पाकिस्तान, ये बुक लिखी थी चौरी खलीकुज़मान ने। वैन कायद अजम जो है, कायद अजम पहली बार एम के गांधी से मिले, वो बेसिकली 1916 में मिले थे लखनऊ में, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, उस टाइम में जब कायद अजम को जो है वो नायडू साहिबा ने एम्बेसडर ऑफ इंडिया पाकिस्तान इतिहाद करार दिया था। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर। हम यहाँ से अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको ख़ास तौर पे जो FIA के या FPSC का Phase 3 है उसमें आपको ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली चीज़ें हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।